भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, मेरा नाम रामभाव पंवार है और मैं एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस राजगढ़ से आया हूँ। तो आपका परिचय हो गया आप? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर है। अच्छा, शंकर लालो। हाँ। कहाँ के रहने वाले सर? करेडी। करेडी रहने वाले? करेडी का। तो आज खेत पे क्या काम कर रहे हो आप? खेत पे आज गंजी लगा रहे हैं धनिया की। अच्छा, धनिया की गंजी लगा रहे हो। हाँ। अच्छा, तो ये जो आप धनिया की जो गंजी लगा रहे हो, तो इसके बारे में हमको बताओगे आप किस प्रकार लगाते हो? गनमन से वो नहीं लगाते रहते और उन्हें डांग देते। अच्छा, फिर तो हमको दिखाओ किस प्रकार लगाते हो आप। तो दादा, जो आप गंजी लगा रहे हो धनिया की, इसमें सामग्री क्या लगती है? इसमें पाल चाहिए एक और कुछ नहीं चाहिए और कहीं। एक पाल की जरूरत होती है, एक उसको पाल की लगती जरूरत है। लगती है हमारी। अच्छा, वो सामग्री नहीं लगती। तो दादा, जो आप इसमें जो गंजी लगा रहे हो, तो इसकी विधि के बारे में हमको बताओ किस प्रकार लगाते हो ये आप। गनमन से लगा जुड़ाई करते जाते हैं। दिखाओ इसकी किससे लगाते हो। ये ऐसा जुड़ता रहो। अच्छा, दोनों मतलब पुलिया को मिला करके मिला के वो साथ रखी रखे जाओ, ऊपर तली दबाता जाओ। इस प्रकार गोल गोल घेरा बन जाता है। गोल घेरा बन जाए उसमें कलर आ जाता है वो। कलर आ जाता अच्छे। अच्छा अच्छा हाँ। तो इस पर गंजी लगाते हो? गंजी लगा देते ऐसे। अच्छा, तो मतलब ये जो गोल बनता है, तो अभी स्टार्ट भी हो गया। आप ये अब किच्छे मानो जब इसको निकालते हो। हाँ, कभी भी निकाल लो फिर उन्हें। अच्छा, पानी वानी में कोई दिक्कत तो नहीं आती है? कोई पाल ढांक दो ना ऊपर से, फिर पानी की वैसे होता। पानी आ तो ऊपर से पाल वाल ढांक दो फिर कहीं। तो मतलब गंजी लगाने से अच्छा फायदा है। हाँ। ये गंजी इस प्रकार लगाती है? इस प्रकार लगा के गंजी से हवा रुक जाती है, उसकी घेर बन जाती है। चारों ओर भी लगाना पड़ता है? पूरा गनमन से घेर लगा देते उसका। तो ऊंचे उठती जाती है? ऊंचे उठती जा, लगाता जाओ ऐसे, नहीं उठा उठा ऐसे जमाता जाओ, कलर अपना आप ले लेता है। अच्छा, इस पर आप गंजी लगाते हो मतलब? हाँ। तो दादा, जो आपने जो गंजी लगाई है, हाँ, इसमें अपने को क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है? इसमें सावधानी एक लगा के और डांग दो, इसमें पानी नहीं लगना चाहिए। अच्छा, अगर बारिश हो तो पानी की सुरक्षा पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, इसलिए गंजी को लगाना? इसलिए गंजी को। तो एक नीचे को ध्यान रखना पड़ता एक है। पाल बिछा लो नीचे, एक ऊपर से डाल दो फिर। अच्छा, नीचे पाल बिछाना है। हाँ। सावधानी है अपनी, बस नीचे जरूरी है, नीचे खर्चा नहीं होता। अच्छा, वो खर्चा जो पाल पा जाता है, पाल पे आ जाता है, वो वापस आ जा काम, खेत में नहीं बिखरता मतलब। तो ये सावधानी है बस। दादा, इसमें और क्या सावधानी रखनी पड़ती है? इसमें ये सावधानी, जैसे इकट्ठा कर रहे हैं अपन। हाँ। तो उसको जैसे कि ज्यादा मन नहीं लाना, अंदाज के उठा के ले आओ, रख दो, खरना नहीं चाहिए वो रास्ता में, कहीं भी गिर पुली गिर जाए तो खर जाओ पूरी। मतलब उठाते समय में ध्यान रखना, ध्यान रखना पड़ता है उसको। अच्छा, ताकि खरना नहीं चाहिए, खरना नहीं चाहिए वो रास्ता में पड़ जाए तो फिर वो खर जाता है वहीं। तो ये भी सावधान रखनी, वो भी सावधान रखनी नहीं। अच्छा दादा, उसमें और क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी? उसमें सावधानी काट के अपन ओनी पुलिया रख दो, तीन रोज सूख जाओ। हाँ। इसके बाद लगा शुरू कर दो। मतलब सूखने के बाद इसको लगाना चाहिए? सूखने के बाद यदि गीला लगा देंगे तो? गीला लगा देंगे तो अंदर ही सड़ जाएगा वो, कंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा कलर उसका, कलर खराब हो जाएगा उसका। हाँ। काला पड़ जाएगा वो, काला पड़ेगा वो। तो मतलब कितने दिन तक अपने को सुखाना चाहिए? वो तीन दिन तक सूखना चाहिए, तीन दिन की तावड़ी के बाद लगा दो आप। अच्छा, तीन दिन धूप में रखने के बाद फिर लगा सकते? फिर लगा सकते हो। अच्छा, उसमें कलर खराब नहीं होगा? होगा, फिर कलर खराब नहीं होता। हाँ दादा, इसमें अपने को क्या, इस गंजी लगाने से अपने को क्या लाभ है? गंजी से ऐसा फायदा अपन को कि वो अपना 8 रोज में 15 रोज में जब भी अपने फुर्सत मिले, जब जो इसको जोड़ लो। अच्छा, मतलब वो निकालने में अपने को दिक्कत नहीं आती? हाँ, निकालने में दिक्कत नहीं। इसके बाद में अपने इच्छा पड़े जब काम लो इसको, खराब नहीं होगा कलर उसका। अच्छा, कलर बने हो रहेगा, बोरी में रख दिया तो खराब नहीं होगा फिर वो। और क्या फायदा है इसे? वो कभी कत्ते रोज रख लो अपने नीचे के बाद। अच्छा, फिर खराब नहीं होगा वो कलर, बने बनाया कलर एक बार बन गया उसका। दादा, और क्या लाभ है इससे अपने? इससे वही लाभ है जैसे एकटा कर दिया अपन ने। हाँ। अब एकटा करे बाद अगर बारिश हुई तो डांक सकते हो नहीं। अच्छा, जब पानी की बरसात होती, बरसात होती तो, और एक एक पुली पड़ रहे है तो पूरा खराब हो जाते। पूरा खराब, तो इकट्ठा तो खराब नहीं होगा? इकट्ठा खराब नहीं, पन्नी डांकता है कहीं भी व्यवस्था कर सकते हैं उसकी। अच्छा, और क्या लाभ इससे? उससे मतलब उसका वो खराब नहीं हो सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो दादा अपने वो और क्या फायदा गंजी लगाने से? सही फायदा अपन गंजी लगा दी तो गंजी से अपनी इच्छा पड़े जब भाव आ जब निकालो उसको। अच्छा, और यदि आला जूल दिया अपन ने कहीं भी कर लिया तो खराब हो जाते हैं। अच्छा, फिर वो यहाँ खराब हो जाता है? खराब हो जाते हैं, तो बोरी में रखे रहे तो भाव आ जब निकाल लो अपन। अच्छा अच्छा, ये फायदा है। और इसका कलर वलर में फायदा होता होगा ना? कलर और कलर आ जाता नहीं उसका, जितना रोज गंजी में रहेगा उतने कलर आएगा उसका। अच्छा, मतलब गंजी लगाने से गंजी कलर भी आ जाता है? गंजी में जितना रोज रहेगा उतने कलर आएगा उसका। ये फायदा है अपना? ये फायदा उसका। ठीक है दादा, जो आपने जो गंजी लगाई है मुझे दिखाया, तो जो अपने जो अन्य किसान भाई है इनको इस गंजी लगाने के बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी किसान भाई से कहना चाहता हूँ कि धनिया की गंजी अपने लगा वो जरूरी है, क्योंकि धनी गंजी लगाने से क्या है अपन को कलर अच्छा मिल जाता है, और कलर मिलने के बाद अगर गीला रखा हो अपन ने मंडी में लेके व्यापारी भी अनशन कर लेते हैं उसको, तो उसको कलर कुंदी लगाने से अपन को कलर अच्छा मिल जाता है। बारिश हो से आ जा तो पानी पाल भी ढाक सकते हैं अपन, कोई भी व्यवस्था कर सकते हैं, और गीला बेचने से कोई फायदा ही नहीं अपन को। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि गंजी लगा कर धनिया अपनी सुरक्षा से रखे उन्हें। दादा, आपने हमें और हमारे अन्य किसान भाई उनको जो धनिया की गंजी लगाने के बारे में जो अच्छी जानकारी दी,
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी, जय राम जी, जय राम जी।